अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ANY न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं मोहम्मद अहसन। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिंस अल्ताफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ समाजी दीनी फलाही शख्सियत चौधरी शफीक अली ऑफ बरतानिया ने कहा है कि मुहर्रम अल हराम का महीना नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम की हक़ व सदाकत के लिए दी जाने वाली अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म व बर्बरियत शार दीन के खिलाफ वर्जी और यजीदी अजम के खिलाफ सदाए हक बुलंद करते हुए जबर के खिलाफ सर झुकाने से इनकार कर दिया और दीन मुबीन की खातिर कुर्बानियाँ पेश करने की एक मिसाल रकम की, जिससे रहती दुनिया तक राह हक के मतवाले हमेशा मशर राह रखेंगे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथी शहादत कबूल करके भी क़यामत तक के लिए जिंदा और जावेद हुए और यजीदी ऐसी लानत के मुस्तहिक ठहरे। लानत हमेशा उनका मुकद्दर रहेगी। फलसफा शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यह है कि जब बात गैरत दीन और शायर इस्लाम की हो तो सर मत झुकाओ और जालिम के सामने डट जाओ। उन्होंने कहा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन अलैहिम रिजवान से वालेहाना मोहब्बत करते थे। यजीद और उसके बदबख्त साथियों ने फरमान रसूल की नफ़ी करते हुए अहले बैत अतहार पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ दिए और क़यामत तक के लिए खुद को लानत व अज़ाब का मुस्तहिक ठहरा लिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि जश्न आज़ादी की 75वीं सालगिरह 14 अगस्त को भरपूर अंदाज में मनाई जाएगी और बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जना को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। आखिर में उन्होंने हर दिल अज़ीज़ फ़ख्र पाकिस्तान चौधरी मोहम्मद रमज़ान की समाजी खिदमात को भी सराहते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।